भरपूर हरियाली का रंग बिखर रहा है, जन जन का जीवन स्वास्थ्य से सवर रहा है, प्रकृति की बिखरती मंद मंद मुस्कान से झारखंड का खूंटी जिला सबका मन आकर्षित कर लेता है। जिले में महिलाएं अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस कर रही हैं। ये सब केंद्र सरकार के पोषण अभियान के सहयोग से हो पाया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जीवन में प्रभावी परिवर्तन ला रही है। खूंटी जिले में रहने वाली अनीसा मुंडू को गर्भावस्था के दौरान इस योजना से बेहद लाभ मिला है। पौष्टिक आहार की जानकारी के बाद वो अपने खान पान का ध्यान बेहतर रख पाए। आइए मिलते हैं अनीसा से। हम अप्लाई कर दिए हैं लेबर कार्ड के लिए, उसके बाद में फिर किस तरह खाना पीना है और कितना घंटा आराम करना है, जैसे कि दीदी बोले कि 2 घंटा आराम करना है, फिर सही टाइम पे खाना पीना और फिर ज़्यादा लेट तक भी नहीं सोना है और ज़्यादा भारी वाला काम भी नहीं करना है। मेरा गोद भराई मतलब पहली बार हुआ तो फिर हम बहुत खुश है। सभी दीदी ने जानकारी दी कि घर में प्रसव नहीं होना है, स्वास्थ्य केंद्र में ही प्रसव करवाना है। उसके बाद में फिर प्रसव के बाद में 6 महीना तक माँ का दूध ही पिलाना है। इनका समय समय पर टीकाकरण किया गया और उचित पोषण के बारे में भी जागरूक किया गया। अब ऑल ओवर इंडिया पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सीबी एक्टिविटी की जा रही है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स। इसमें क्या होते हैं कि गांव वाली महिलाएं आती हैं, गोद भराई करती हैं, गांव की औरतें आती हैं और हम लोग मदद करते हैं समुदाय स्तर पे। पोषण अभियान, खुशियां छलक रही हैं, महिलाएं सेहतमंद बन रही हैं।